मॉर्निंग सुपरफास्ट में अब आपको चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। ये खबर देश के उन तमाम कर्मचारियों के लिए है जो अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। ये खबर देखकर उनको जलन जरूर हो सकती है। चीन की मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टियां ग्रुप ने हाल ही में अपने 20 साल पूरे किए हैं। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए कंपनी के चेयरमैन ली जिनयुआन ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने करीब 95 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी के 6,500 कर्मचारियों को फ्रांस की मुफ्त सैर कराई। टूर में शॉपिंग को छोड़कर सारा खर्च कंपनी की तरफ से दिया गया था। इस दौरान सारे कर्मचारियों को शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाया गया, जिसके बाद कंपनी के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाई, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इस टूर पर चीन की इस कंपनी को प्रति व्यक्ति 1,50,000 रुपए का खर्च आया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 140 अलग अलग होटलों में 4,760 कमरे बुक किए थे। इसके अलावा 79 फोर स्टार और 5 स्टार होटल्स में भी बुकिंग की गई थी। कर्मचारियों की सुविधा के लिए कंपनी ने 147 बसें भी बुक की थी। इस ट्रिप की मदद से टियांस ग्रुप और ली जुआन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये समूह यूरोप आने वाले चीनी पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।